नमस्कार दोस्तों, हम आ चुके हैं उज्जैन और ये आप देख रहे हैं उज्जैन का रेलवे स्टेशन है और हमने यहाँ पे एक ऑटो किया हुआ है जो हमको 20-20 रुपए की सवारी मिली है। तो 20 रुपए में हम लोगों को उज्जैन महाकाल लोक में और मंदिर के लिए हम लोग निकल रहे हैं और ये वहीं का रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ। हम लोगों ने यहाँ पास में होटल लिया है उज्जैन में और आपको सामने बहुत सारे होटल मिल जाएंगे स्टेशन के आसपास और यहाँ से करीब 2 किलोमीटर का रास्ता है महाकाल मंदिर का। तो चलिए चलते हैं। ये हमको ऑटो वाले ने थोड़ा दूर उतार दिया है यहाँ पे क्योंकि यहाँ से थोड़ा ट्रैफिक अंदर जा नहीं पाता है। ये देखिए आसपास का आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ और काफ़ी सारी यहाँ पे दुकानें हैं, आप यहाँ प्रसाद वगैरह भी ले सकते हैं और बहुत सारा सामान यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे आसपास काफ़ी होटल्स वगैरह भी हैं, आप चाहे तो यहाँ भी रुक सकते हैं। थोड़ा सावन के महीने में यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ जाती है, हम लोग यहाँ सावन के महीने में आए हुए हैं इसलिए आज काफ़ी भीड़ भाड़ दिख रही है। दोस्तों श्री महाकाल का जो मंदिर है वो करीब 10 बजे तक खुला रहता है जैसा हमको बताया गया है, तो हम लोग शाम के करीब इस समय 7 बज रहा है तो हम दर्शन के लिए और निकल रहे हैं और आपको दिखाता हूँ आगे क्या क्या है। जैसा कि मुझको पता चला है कि अंदर मंदिर में, श्री महाकाल जी के अंदर मंदिर में कैमरा और मोबाइल वगैरह अलाउ नहीं है, तो उसको आपको वहीं लॉकर वगैरह में आपको रखना पड़ता है। आप चाहें तो यहाँ पर जो दुकानें हैं यहाँ पे जहाँ प्रसाद वगैरह मिलता है यहाँ भी ये लोग लॉकर का काम करते हैं और आपका सामान रखते हैं, आप यहाँ से प्रसाद वगैरह भी ले सकते हैं। ये देखिए हमको महाकाल मंदिर दिखने लगा है, हम उसके परिसर में आ चुके हैं। ये देखिए स्क्रीन लगी है, बहुत बड़ी स्क्रीन, और आप देख सकते हैं महाकाल जी के दर्शन आप यहाँ से कर सकते हैं। ये निःशुल्क जूता स्टैंड है, आप अपने जूते वगैरह यहाँ रख सकते हैं और पास में ही एक क्लॉक रूम भी है जिसमें आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। तो मैं भी वहीं जा रहा हूँ, अपना सामान वगैरह रखूँगा। दोस्तों मंदिर के अंदर जूते, पर्स और आपका सामान वगैरह, बैग वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं है इसलिए मैं सब कुछ इसके अंदर रखूँगा क्लॉक रूम में और आपको मैं अंदर का वीडियो नहीं दिखा पाऊँगा। दर्शन करने के बाद मैं आपको महाकाल लोक के दर्शन कराऊंगा। मैं इधर इधर ये इधर यह क्लॉक रूम। दोस्तों मेरे दर्शन हो चुके हैं और मैंने महाकाल जी के दर्शन बहुत अच्छे से किए और आज काफ़ी दूर से दर्शन कराए गए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ महाकाल लोक। ये देखिए कितनी भगवान शिव की कितनी अच्छी मूर्ति यहाँ बनाई गई है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। आज भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा है। पूरा परिसर काफ़ी फैला हुआ है, काफ़ी जगह में फैला हुआ है यहाँ पे और भगवान से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह बनाई गई हैं, बहुत ही सुंदर हैं। आप भी यहाँ पे आके बिल्कुल भक्ति भाव में डूब जाएंगे।
दोस्तों ये रास्ता आप देख रहे हैं, ये महाकाल मंदिर जाने हेतु रास्ता है। और जो सामने आप लाइन देख रहे हैं वो भगवान की लाइन लगी हुई है। यहीं से आपको होके अंदर मंदिर में जाना पड़ता है और उसके जस्ट सामने ही महाकाल लोक बनाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी दूर तक फैला हुआ है और यहाँ काफ़ी चीज़ें आपको भगवान के प्रति श्रद्धा जगा देंगी। एक कितना भव्य मंदिर बनाया गया है यहाँ पे। और मैं कई साल पहले यहाँ पे आया था तो यहाँ पे इतना कुछ नहीं था, पर अभी आप देखेंगे तो काफ़ी कुछ बन गया है। ये देखिए भगवान जी की एक और मूर्ति, बहुत ही सुंदर रूप है ये। दोस्तों ये आपको जगह दिखा रहा हूँ, वहाँ से भगवान श्री महाकाल के मंदिर के लिए जाने के लिए रास्ता है। आप दूर देख रहे हैं लाइन लगी हुई है। ये श्री महाकालेश्वर भक्त निवास है, आप चाहें तो यहाँ पे भी रुक सकते हैं। पास में जूता स्टैंड भी बनाया गया है और यही पास में यहाँ पे लॉकर वगैरह भी, आप अपना सामान यहाँ पे रख सकते हैं। तो सारी सुविधा यहाँ पे मौजूद हैं, आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको चिकित्सालय भी यहाँ पे मौजूद है, अगर आपको कोई चोट वगैरह लग जाती है तो उसका इंतजाम भी यहाँ पे पास में है। यह है श्री महाकालेश्वर भक्त निवास, आप चाहे तो यहाँ पे भी रुक सकते हैं। तो दोस्तों हमने आज महाकाल मंदिर के और महाकाल लोक के दर्शन किए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा। जय श्री महाकाल।